टुडे विल बी लुकिंग एट द फिफ्थ चैप्टर ऑफ यूनिट 2 इंग्लिश ऑफ स्टैंडर्ड 8th. ठीक है, अभी वो चैप्टर का नाम है हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस बेसिकली एक स्टोरी है जिसमें बताया गया कि एक स्टैचू रहता है हैप्पी प्रिंस का, उसके बारे में बताया गया कि वो कैसे हैप्पी होके भी दुखी है. बड़ा अजीब लग रहा है ना. ठीक है, अभी देखते हैं चैप्टर में कैसा है. द स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव द सिटी. इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड. इट्स आईज वर ब्राइट ब्लू ज्वेल्स एंड अ रेड ज्वेल हंग अप फ्रॉम हिज वेस्ट. एवरीवन थॉट दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल. अभी देखो, एक स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, वो शहर के बीचों बीच था. उधर एक मतलब कि बहुत ही ऊंचे स्तंभ पे उसका स्टैचू था और वो पूरा गोल्ड से बनाया हुआ था. उसके जो आंखें हैं वो ब्लू ज्वेल से बनाए हुए हैं और उसके कमर है उस मतलब वेस्ट का मतलब कमर, उधर एक रेड ज्वेल दिखाई दे रहा है और वो जो रेड ज्वेल है सब लोगों को लग रहा था बहुत ब्यूटीफुल है. व्हाई आरंट यू लाइक द हैप्पी प्रिंस, मदर्स सेड टू द लिटिल बॉयज व्हेन दे क्राइड. बोलते कि और जो वो सिटी के अराउंड जो भी सब मदर्स रहती है वो लोग बोलते हैं, बच्चे अपने बच्चे को बोलते हैं कि तुम हैप्पी प्रिंस जैसे क्यों नहीं हो. बाद में जो सैड मैन है, सैड मैन लुक्ड एट द स्टैचू एंड सेड आई एम ग्लैड दैट समवन इन द वर्ल्ड इज हैप्पी. जो इंसान जो दुखी थे, जो दुखी इंसान थे, उन लोग वो स्टैचू को देख के बोलते कि काश कोई एक मतलब चलो कोई तो एक अच्छा कोई तो एक है जो खुश है. ठीक है. वन नाइट अ लिटिल स्वॉलो फ्लू अलोन ओवर द सिटी. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे बट ही हैड स्टेड बिहाइंड फॉर 6 weeks. वेयर कैन आई स्टे टू नाइट ही थॉट. ठीक है, अभी देखो, एक स्वॉलो था जो कि सिटी के ऊपर उड़ रहा था. मतलब कि एक स्वॉलो बेसिकली एक बर्ड है जो सिटी के ऊपर से उड़ रहा था, लेकिन वो थक गया था. वो चाह रहा था कि मैं कहीं पे एक रेस्ट करूँ. तो वो सोचा था कि वो स्टैचू के नीचे रेस्ट करूँ. और वो ऐसे भी बहुत पीछे था, मतलब उसके जो दोस्त थे वो दोस्त से पिछड़ गया थोड़ा सा. 6 हफ्ते के लिए वो पिछड़ गया था और वो ढूंढ रहा था एक कोई जगह जिधर वो रेस्ट कर सके, क्योंकि वो बहुत थक गया था. Where can I stay tonight? He thought. Then he saw the statue. I will stay there. He thought. It is high up, so there is plenty of fresh air. बोला कि चलो मैं स्टैचू के ऊपर रेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो स्टैचू काफ़ी ऊपर है ज़मीन से और उधर बहुत प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर मिलेगा. मतलब कि काफ़ी मतलब अच्छी हवा मिलेगी. He landed between the feet of Happy Prince. I have a golden bedroom, he thought. But as he put his hand under his wing, a large drop of water fell on him. मतलब कि अभी देखो, जैसे ही वो हैप्पी प्रिंस के दोनों पैर मतलब पैरों के नीचे वो क्या बोलते हैं पैरों के नीचे वो स्टे मतलब रेस्ट करने लगा. बाद में जैसे ही वो रेस्ट करने लगा उसको लगा कि मैं गोल्डन बेडरूम में हूँ, क्योंकि उसको जो स्टैचू है वो पूरा गोल्ड से बनाया हुआ है, तो उसको लगा कि मैं गोल्डन बेडरूम में हूँ. बाद में जैसे ही वो अपना क्या बोलते तैयार हो रहा सोने के लिए, उसके ऊपर एक पानी का बूंद गिर गया था. ठीक है. ही लुक्ड अप, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज. ही थॉट देयर इज़ नॉट अ क्लाउड इन द स्काई बट इज़ रेनिंग. बोलते कि ये तो अजीब है, पानी कैसे गिरा, किधर से गिरा, ऊपर तो कोई बादल नहीं थे और बारिश भी नहीं हो रही है, तो पानी कैसे गिरा. देन अनदर ड्रॉप फेल. आई कैन नॉट स्टे इन द स्टैचू दैट डज नॉट कीप मी ड्राई. आई ही थॉट आई मस्ट फाइंड अनदर प्लेस एंड ही डिसाइडेड टू फ्लाई अवे. बट एज ही ओपन्ड अप हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल. ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी. और बोलते कि और एक उसके बाद क्या बोलते और एक बूंद गिरा. बाद में बोलते कि उसके बाद जैसे ही वो बोला, जैसे ही एक बूंद गिरा उसके बाद तुरंत ही दूसरा बूंद गिरा. बोला कि मेरे को ऐसा स्टैचू में रहने का नहीं है जो मेरे को सूखा नहीं रखता है, मेरे को ऐसा कोई जगह चाहिए जिधर मैं मतलब क्या बोलते ड्राई रहूँ. ठीक है. और जैसे ही वो तैयार हो रहा था अपना क्या बोलते उड़ान भरने के लिए, मतलब कि जैसे ही वो विंग्स को प्रिपेयर कर रहा था उड़ने के लिए, वैसे ही तीसरा बूंद गिर गया. ठीक है. और जैसे ही तीसरा बूंद गिरा उसने ऊपर देखा कि क्या ऊपर देख रहा था किधर से बूंद गिरा, तो वो शॉक हो गया कुछ देख के. वो देखा कि द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फुल ऑफ टीयर्स. टीयर्स रोल डाउन हिज गोल्डन फेस. द फेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट एंड सॉरो फेल्ट सॉरी फॉर हिम. वो जो हैप्पी प्रिंस का जो फेस था वो जैसे आंसू टपक रही थी, वो पानी कुछ नहीं बल्कि आंसू थे हैप्पी प्रिंस के, और वो आंसू उसके गोल्डन फेस से टपक रहे थे. और उसका जो चेहरा था मतलब उसका जो फेस था वो मूनलाइट पे बहुत ही सुंदर दिख रहा था. तो सॉलो को उस पर थोड़ा सा दया आया कि थोड़ा सा सॉरी फील हुआ उसको कि मैंने ऐसा क्यों सोचा. बाद में सॉलो ने पूछा कि हु आर यू. वो बोलता है कि आई एम हैप्पी प्रिंस. देन व्हाई आर यू क्राइंग, आई एम वेट विद योर टीयर्स. और सॉलो बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे आंसू से भीग गया हूँ. When I was alive, said the prince, I had a heart like every other man. But I did not know what tears were.
I lived in a palace where there was no sadness. In the daytime, I played with my friends in a beautiful garden, and in the evening, I danced. There was a high wall around the garden, but I did not know what lays out on the other side. So I was called the happy prince. I was pleased with my little world. Now I am dead. ठीक है, अभी देखो, जैसे बोलते कि जब मैं जिंदा था, मेरे पास भी दिल था इंसानों की तरह, लेकिन मुझे पता ही था गम क्या होता है, क्योंकि मेरे जो मैं जिधर रहता था, मेरा जो पैलेस था उधर कभी भी कोई भी दुखी नहीं था। ठीक है, वो क्या होता है, उसका जो डेली रूटीन बताया, उसने बताया कि सुबह मैं क्या बोलते दोस्तों के साथ खेलता हूँ, शाम को मैं ऐसे ही मस्ती करते रहता हूँ, मतलब नाचते रहता हूँ। ठीक है, और बाद में बताया कि और बोलता है कि मेरे गार्डन के बाजू में एक बहुत बड़ी दीवार है और मुझे पता नहीं वो दीवार के उस पार क्या है, मतलब कि उसको पता नहीं दुनिया में क्या चालू है, कौन दुखी है कौन खुशी है, उसके बारे में उसको जरा सा भी ये नहीं था, अंदाजा भी नहीं था। बाद में देखा कि बाद में बोलता है कि मेरे को अपने वो जो छोटी सी दुनिया में उसमें बहुत खुश था मैं, लेकिन मैं अभी जिंदा नहीं हूँ, मैं अभी दुनिया में नहीं हूँ। एंड दे हैव पुट मी अप हियर, I can see all the unhappiness of my city. My heart now is made up of cheap metal, but even that poor heart can feel, and so I cry. ठीक है, I बोलते कि मैं अभी जिंदा नहीं हूँ, मैं अभी मर गया हूँ, तो मेरे को अभी दिखता है कि जो टाउन का जो अनहैप्पीनेस है वो मुझे दिखता है, और वो उसको देख के मेरे को कभी कभार दुख होता है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और अभी जो मेरा दिल था वो पहले बहुत अच्छा था, अभी मेरा दिल मेरे को लग रहा है कि बहुत कुछ चीप मेटल, मतलब कि बहुत ही सस्ता दिल, मतलब कि बहुत कुछ मतलब ही नहीं हो दिल का, मतलब यूजलेस बोल सकते हो। इवन दैट पुअर हार्ट कैन फील एंड सो आई क्राई, बोले कि ऐसा दिल था कि जो बहुत ही सस्ता दिल था, मतलब कि बहुत ही क्या बोलते हैं यूजलेस जो था मेरा हार्ट, तो वो बोल रहा कि ये सब जो गरीब लोगों को मैं गरीब लोगों का जो दिल देखता हूँ उसकी वजह से मेरे को रोना आता है। Oh, said the swallow to himself. He is not only gold on the outside. Far away from here, said the happy prince in a low voice, there is a poor house in the little street. Through an open window, I can see a woman at a table. ठीक है, अभी swallow क्या बोलता है कि oh, तो फिर ये gold से बनाया हुआ नहीं है। बोलते कि और happy prince बोलते कि far away from here, I said the in a low voice, there is a poor house in the little street. Through an open window, I can see a woman at a table. Her face is very thin and she has rough red hands. She is making a dress for one of the queen's ladies for a dance in the palace. अभी वो बात कर रहा था कि वो हैप्पी प्रिंस अभी धीमे स्वर में बोल रहा था कि दूर एक मेरे को घर पता है जिधर एक औरत रहती है जिसका बहुत मतलब कि बोलते कि बहुत ही गरीब है, उसको क्या बोलते हैं उसका क्या बोलते हैं वो टेबल पे बैठी है, मतलब कि मैं देखता हूँ एक वूमन जो टेबल पे बैठी है, उसके जो फेस है बहुत थिन है और शी इज़ रफ़ एंड रेड हैंड्स, मतलब कि बहुत ही क्या बोलते हैं उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि बहुत ही पुअर कंडीशन में है। और बोलते हैं कि वो एक ड्रेस बना रहा था क्वीन के लिए, ताकि वो क्वीन का डांस का जो पार्टी होता है उसके लिए वो ड्रेस तैयार कर रही थी। A little boy is lying on the bed on the corner of the room. He is very ill. He is crying because he can only give him water from the river. उसके जो बेटा है उसका बेटा एक कोने में लेटा हुआ है क्योंकि वो बहुत बीमार है और वो रो रही है क्योंकि उसको सिर्फ देने के लिए बस एक पानी ही दे सकती है जो नदी से वो ले सकती है, लेके आती है वही पानी वो दे सकती है उसको। लिटिल बर्ड विल यू टेक माई रेड ज्वेल टू हर, आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर। और मैंने प्रिंस बोलता कि क्या तुम मेरे जो वेस्ट पे जो रेड ज्वेल है वो क्या तुम उसको दे सकते हो, क्योंकि मैं तो इधर से हिल नहीं पाऊंगा। बोलिए माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, सेड द स्वालो। और वो स्वालो बोलता है कि मेरे दोस्त मेरे लिए इजिप्ट में वेट कर रहे हैं। लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज स्टे, द बॉय इज क्राइंग एंड हिज मदर इज सो अनहैप्पी। बोले कि बोलते कि स्वालो प्लीज इधर रह जाओ, क्योंकि वो माँ बहुत दुखी है और वो माँ रो रही है और बच्चा बहुत दुखी है। द हैप्पी प्रिंस लुक वेरी सैड एंड द लिटिल स्वालो वॉज सॉरी फॉर हिम, इट वॉज वेरी कोल्ड हियर बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट, टुमारो आई विल टेक द ज्वेल। तो बोलते कि बाद में हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी हो गया था, बाद में स्वालो बोलते कि ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन मैं अभी अभी फिलहाल बहुत ठंडी है तो मैं एक रात तक रह लूँगा, बाद में कल सुबह मैं दे दूँगा उसको ज्वेल। थैंक यू लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, बाद में प्रिंस ने उसको थैंक यू बोला। So the swallow took the great red jewel from his prince's waist and flew away with over the roofs of the town. He passed the palace and heard the sound of dancing. ठीक है, अभी जैसे ही वो swallow red jewel लेके जा रहा था, क्या red jewel लेके जा रहा था वो palace की ओर से, तो उसको क्या बोलते palace में
नाचने का आवाज आ रहा था. द बर्ड पास ओवर द रिवर एंड फ्लू एंड फ्लू. एट लास्ट ही केम टू द पुअर लिटिल हाउस एंड लुक्ड इनसाइड. द बॉय वाज लाइंग इन द बेड. द मदर वाज अस्लीप. ही वाज सो टायर्ड. ही फ्लू इन एंड पुट द ग्रेट ऑन द टेबल. देन ही फ्लू अराउंड द बेड मूविंग इन द एयर अराउंड द बॉयज फेस विथ हिज विंग्स. मतलब कि एक रिवर पार्क होके वहाँ में उड़ते गया उड़ते गया उड़ते गया. बाद में उसने देखा कि वो बाद में वो घर पे पहुंच गया था जो प्रिंस बता रहा था. और उसने वो जो रेड जुअल है वो अपने उसके टेबल पे रख दिया था. ठीक है. और वो देखी कि उसकी मम्मी जो है वो जो लड़के की मम्मी है वो बहुत ही टायर्ड है. और वो जो लड़का है वो जो लेटा हुआ है क्योंकि उसको बहुत बीमारी थी. और बाद में उसने वो ज्वेल उसको दे दिया टेबल पे रख दिया. बाद में वो उधर ही उड़ रही थी हवा में. ओ सेड द बॉय माई फेस डज नॉट फील सो हॉट. आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर एंड ही फेल अस्लीप. बाद में बोलते हैं वो जो लड़का था जो बीमार था बोले कि मेरा जो अभी तबीयत है धीरे धीरे क्या बोलते अच्छा हो रहा है. मतलब कि मेरा अभी फेस जितना गर्म था अभी उतना गर्म नहीं है तो धीरे धीरे मेरा तबीयत अच्छा हो रहा है. तो बोल रहे कि मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ. और वो सो गया. देन द सोलो फ्लू बैक टू द हैप्पी रिमेंस. इट इज स्ट्रेंज द सोलो सेड. इट इज़ वेरी कोल्ड बट आई फील क्वाइट वार्म. वो सोलो बन में प्रिंस के पास गया. बोलते हैं कि बाहर तो बहुत ठंडी है लेकिन मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड थिंग सेड द प्रिंस. लिटिल सोलो फेल अस्लीप. वो बोल रहे कि वो प्रिंस बोलते हैं कि तुमने एक अच्छा काम किया इसके लिए तुमको ऐसा फीलिंग आ रहा है. ठीक है. ये हैप्पी प्रिंस है. ये बाद में लिटिल सोलो सो गया था. वेन द डे केम द सोलो फ्लू डाउन फ्रॉम अ रिवर फॉर अ बाथ. अ क्लेवर मैन सॉ हिम. जैसे ही अभी देखो जैसे ही दूसरा दिन आया सोलो रिवर के बाजू में गया और वो नहाने गया था. ठीक है. बाद में उसने देखा एक क्लेवर मैन सॉ हिम. मतलब कि एक बहुत ही चालाक आदमी ने देखा. दैट इज़ वेरी अनयूजुअल ही सेड. दैट काइंड ऑफ बर्ड हियर इन विंटर. वो चालाक आदमी बोलता है कि ऐसा ये तो अजीब है ऐसे जो बर्ड्स होते हैं वो बेसिकली समर में दिखते हैं लेकिन ये विंटर में दिख रहे. आई मस्ट राइट दैट डाउन. आई विल गो टू इजिप्ट टू नाइट. दैट थॉट द सोलो. बोले कि अरे और जो आदमी था उसने वो सब लिख दिया कि ये सब है. मतलब कि बाद में वो सोलो बोलता है कि आई विल गो टू इजिप्ट. मतलब कि अभी मैं फिलहाल बाद में इजिप्ट चले जाऊँगा. व्हेन द मून केम अप ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस. कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू इन इजिप्ट ही सेड. बाद में जैसे ही रात हुआ वो हैप्पी प्रिंस के पास गया था. बाद में वो बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ इजिप्ट में. वो पूछा सोलो ने हैप्पी प्रिंस को. लिटिल बट सेड द प्रिंस प्लीज विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट. वो बोलते कि क्या तुम मेरे साथ और एक रात रह सकते हो प्लीज़. मतलब उसे रिक्वेस्ट किया सोलो से. माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी आंसर द बर्ड. बोलते कि मेरे दोस्त मेरे लिए रुके हुए. फार अवे अक्रॉस द सिटी सेट द प्रिंस. आई कैन सी अ यंग राइटर इन द लिटिल रूम एट द टॉप ऑफ अ हाउस. ही सिटिंग एट अ टेबल दैट इज कवर्ड विद पेपर्स. एट हिज साइड देयर आर सम डेड फ्लावर्स. ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ स्टोरी बट ही इज़ वेरी कोल्ड एंड कैनॉट राइट. ही हैज़ नो फायर इन हिज रूम एंड ही इज़ वीक एंड हंग्री. बोलते कि ऑफिस से और एक दूसरा घर बताया कि दूर एक राइटर है. उसके बारे में बताया एक राइटर. आई कैन सी अ यंग राइटर इन अ लिटिल रूम एट द टॉप ऑफ अ पेपर्स मतलब टॉप ऑफ अ हाउस. मतलब कि एक घर के ऊपर एक राइटर था. वो मतलब कि राइटिंग मतलब कि कुछ लिख रहा था. उसका टेबल जो है पूरा पेपर से भरा हुआ है. और वो उसके बाजू में कुछ डेड फ्लावर्स है. मतलब कि जो क्या बोलते उसके बाजू में कुछ फ्लावर्स है जो मुरझा चुके हैं मर चुके हैं. और वो उसको और वो कोशिश कर रहा है अपना स्टोरी फिनिश करने के लिए. लेकिन वो फिलहाल उसको बहुत ठंड मतलब बहुत ठंड लगी है और उसको बहुत भूख लगी है और वो बहुत टायर्ड भी है. आई विल वेट विथ यू फॉर वन मोर नाइट सेड द सोलो काइंडली. व्हाट शल आई टेक टू हिम. तो बोलता है कि मैं तो एक रात रुक जाऊँगा ऑफिस से लेकिन मैं उसके लिए फिर क्या लेके जाऊँ. बोलता कि टेक हिम वन ऑफ माई आईज सेड द प्रिंस. दे आर मेड ऑफ ब्यूटिफुल ब्लू स्टोन. द यंग मैन कैन सेल इट एंड बाय वुड एंड फूड. ही कैन फिनिश द स्टोरी. वो बोलते कि मेरा जो आँख का एक ज्वेल है ब्लू कलर का वो लेके जाओ उसके पास. एटलीस्ट उसको वो बेच के वो ज्वेल को बेच के कम से कम खाना पानी लकड़ी का कुछ बंदोबस्त कर सकता है ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकता है और अपने आप को चलते हेल्दी रख सकता है और कहानी फिनिश कर सके. टेक आउट योर आइज डियर प्रिंस सेड द सोलो. आई कैनॉट डू दैट. एंड ही बिगेन टू क्राई. और बाद में सोलो बोलते कि टेक आउट मतलब कि तुम्हारा आँख निकाल दो. बोले कि मतलब कैसे मैं कर सकता हूँ मैं तो कर ही नहीं सकता. बाद में वो रोने लगा सोलो. बोले कि डू इट सेट द प्रिंस. मतलब प्रिंस ने बोला कि कर दो. सोलो टू द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स रूम. इट वॉज ईजी टू गेट देयर बिकॉज देयर वॉज अ होल इन द रूम.
द यंग मैन वॉज सिटिंग विद हिज हेड ऑन हिज हैंड्स एंड ही डिड नॉट हियर द बर्ड्स विंग्स सो ही लुक्ड अप एंड अ ब्यूटीफुल ब्लू ज्वेल वॉज लाइंग ऑन द डेड फ्लावर्स. बाद में वो जैसे ही वो उसके पास राइटर के पास गया उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था घर और उसके घर में एक होल था तो ईजिली घुस गया था और उसने देखा कि राइटर मतलब ऐसे ही लेटा हुआ है मतलब कि ऐसे ही जो रहता है ना कि मतलब ऐसे सोया हुआ है फ्रस्ट्रेशन में कि मेरे को कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है. बाद में उसने क्या किया कि वो जो ब्लू ज्वेल है वो डेड फ्लावर्स के ऊपर रख दिया और डेड फ्लावर्स के ऊपर जो रख दिया और बाद में उसे उड़ के चला गया. ठीक है. Someone likes my story, he cried happily. This is a great gift for someone who has read my books. Now I can finish writing the story. बोल दे कि ये मेरे समवन मतलब कि मेरे को मेरा स्टोरी किसी को पसंद आया. वो बोलता है मैंने बोलता कि ये एक गिफ्ट है जिसने मेरे को जिसको मेरा स्टोरी पसंद है उसने मेरे को एक गिफ्ट भेजा है अभी मैं अपना स्टोरी फिनिश कर सकता हूँ. On the next day, the swallow flew down on the river. He was a seaman working on the ship. I am going to Egypt, he cried, but no one listened to him. बाद में उस सीमैन के पास गया था. ठीक है. वो बोलते कि मैं भी इजिप्ट जाऊँगा लेकिन उसने बोला कि बाद में सीमैन मतलब कि जो शिप्स में काम करते हैं तो उसने बोला कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ लेकिन इस बार कोई सुना नहीं क्योंकि पिछले बार भी बोला था तो वो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास गया था वापस से उसका डिले हो गया. When the moon came up, he flew back to Happy Prince. I have come to say goodbye to you, he said. बाद में वापस से वही सेम कि वापस से एक रात रुक जाओगे Happy Prince बोलते हैं. वो बोलते हैं कि मैं अलविदा कहने आया हूँ मतलब मैं जा रहा हूँ अभी गुडबाई कहने आया हूँ अभी क्या मैं रुक सकता हूँ मतलब कि वो बाद में Happy Prince बोलते हैं कि मेरे को एक और रात रुकने का है एक और रात रुक सकते हो मेरे लिए. तो देखिए इट इज़ विंटर एज द स्वॉलो द स्नो विल कम इन इजिप्ट सन इज वार्म एंड द ट्रीज आर ग्रीन डियर प्रिंस आई मस्ट लीव बट आई विल नेवर फॉरगेट यू. और बाद में अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि दो बार ऐसा हो गया ना तो बोलते कि इधर बहुत ठंडी और उधर बहुत गर्मी है इजिप्ट में तो मेरे को उधर ही जाने का और उधर बहुत हरियाली है तो बोलते कि मेरे को अभी जाने का है मेरे को मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा. लेकिन लिटिल गर्ल स्टैंडिंग देयर इन द स्क्वायर बिलो शी इज सेलिंग एग्स हर एग्स आर फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड दे आर ब्रोकन देयर इज नो मनी टू टेक होम द फादर विल हिट हर टेक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर. I'll stay with you for one more night, said the swallow, but I cannot take out your other eye. You will not be able to see. Do it, prince. Do it, said the prince. और उसने अभी तीसरे जन के बारे में बताया एक लिटिल गर्ल जो एक स्क्वायर मतलब कि एक चौराहे पे ये अंडे बेच रही थी लेकिन वो अंडे टूट गए थे क्योंकि वो गिर गया था लेकिन तो अभी देखो अंडे गिर गया तो फिर उसका पूरा लॉस हो गया. ठीक है. तो अभी वो अगर कुछ लेके नहीं गए पैसे तो फिर वो उसके डैड उसको बहुत मारने वाले हैं. ठीक है. वो बोलते कि मेरा दूसरा आँख जो है वो भी उसको दे दो. तो बोलते कि अभी तुम्हारा दूसरा आँख भी दे दूँ. तो बाद में बोलते कि चलो दे दो. सो द स्वॉलो टुक आउट द अदर आई एंड फ्लू डाउन विथ इट ही फ्लू टू द गर्ल एंड पुट द ज्वेल इन हर हैंड. उसने अभी वो दूसरा आँख भी निकाल दिया और वो लड़की को दे दिया वो ज्वेल. This is a beautiful piece of glass, cried the little girl. She ran home laughing. बोले कि ये तो ग्लास का बहुत ही सुंदर पीस है तो वो हंसती हंसती घर पर चले गई. Then the swallow flew back to the prince. You cannot see now, he said. So I will stay with you. No, said the happy prince. You must go to Egypt. I'll stay with you, repeated the swallow and he slept at the prince's feet. बाद में वो बोलता है कि अभी तो आपको कुछ दिख भी नहीं रहा तो आप मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ ही रह लूँ क्योंकि आप कुछ देख नहीं पा रहे हो. तो बोलता है कि अभी तुम इजिप्ट चले जाओ. तो बोलते कि नहीं नहीं मेरे को नहीं जाने का इजिप्ट मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ. और वो प्रिंस के फीट के यहाँ पे बैठ गए. द नेक्स्ट डे ही स्टेड विद द प्रिंस ही टोल्ड द प्रिंसेस प्रिंस स्टोरीज अबाउट द स्ट्रेंज लैंड दैट ही न्यू. डियर लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस यू आर टेलिंग मी अबाउट स्ट्रेंज एंड वंडरफुल थिंग बट द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन इज स्ट्रेंजर देन एनीथिंग. ठीक है. अब बाद में जैसे ही नेक्स्ट डे हुआ वो स्वॉलो अपने अजीब अजीब जो जगह है उसके बारे में बता रहा था लेकिन प्रिंस ने बोला कि यू टेलिंग मी अबाउट स्ट्रेंजर वंडरफुल थिंग बट सफरिंग ऑफ स्ट्रेंजर देन एनीथिंग. मतलब बोलता है कि तुम जो कहानी बता रहे हो उससे ज़्यादा स्ट्रेंज तो जो क्या बोलते हैं गरीब आदमी औरतें जो गरीब है उन लोग से ज़्यादा अजीब तो मुझे कुछ नहीं लगता है. तुम जो बता रहे हो वो ठीक है लेकिन उससे गरीब लोग का जो ये क्या बोलते हैं अनहैप्पीनेस है वो ज़्यादा ही अजीब है. फ्लाइंग ओवर माई सिटी लिटिल बर्ड टेल मी व्हाट यू सी देयर. अभी देखो बोलते कि तुम जो शहर के ऊपर से उठते हो तो तुमको और क्या क्या दिखता है उसे स्वॉलो से पूछा.
So the swallow flew over the great city. He saw the poor people sitting at the gate. He flew into dark street and saw the white faces of hungry children with sad eyes. तो देखिए मैं ये great city के ऊपर उठता हूँ, मैंने देखा कि बहुत सारे गरीब लोग बैठे हुए मेरे गेट, मतलब गेट पे, और वो घने, मतलब कि वो जो क्या बोलते हैं, बहुत ही अंधेरे अंधेरे वाले स्ट्रीट्स पे उठते थे, जिधर पे वाइट फेसेस ऑफ हंग्री चाइल्ड, मतलब कि जो बच्चे लोगों की बात कर रहे हैं, बच्चे लोग जो है भूख से तड़प रहे थे. अंडर अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग क्लोज टू टुगेदर टू कीप वार्म, मतलब कि एक ब्रिज के नीचे एक दो बच्चे लोग, दो बच्चे एक दूसरे को ऐसा क्या बोलते हैं पकड़ के बैठे ताकि उन लोग को, क्योंकि उन लोग को बहुत ठंडी लग रहा था. We are so hungry, they said, you cannot lie there, shouted a guard. वो बोलते कि, और वहाँ में एक गार्ड आता उसको भगाने के लिए, बोलते कि हम लोग बहुत भूखे हैं, और वहाँ में वो गार्ड बोलते कि तुम इधर नहीं रह सकते. Then the swallow flew back and told the prince, I am covered with fine gold, said the prince, take it off piece by piece and give it to the poor people. बोलते कि मैं पूरा गोल्ड से बना हुआ है, ठीक है, तो मेरा थोड़ा थोड़ा गोल्ड सबको दे दो, सोलो को बोलता है. आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड. द सोलो पुल्ड ऑफ द गोल्ड अंटिल द हैप्पी प्रिंस लुक ग्रे एंड अग्ली. द सोलो टुक द गोल्ड टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेस बिकम ब्राइटर. अब में जैसे ही वो गोल्ड लेते गया, हैप्पी प्रिंस का जो गोल्ड से बना वो धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े लेते गया ना, हाँ, तो क्या बोलते, प्रिंस तो धीरे धीरे अगली हो रहा था और ग्रे हो रहा था, लेकिन जो बच्चे लोग थे वो लोग हैप्पी हो रहे थे. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड. वो बच्चे लोग जो भूखे थे वो लोग बोले कि अभी चलो हम लोग कुछ खाना है. देन द स्नो केम, आइस फॉलोड द स्नो एंड हंग डाउन फ्रॉम द रूफ्स ऑफ द हाउस. एवरीवन वो थिक कोट्स. लिटिल सोलो बिकेम कोल्डर. ही डिड नॉट लीव द प्रिंस बिकॉज ही लव्ड हिम वेरी मच, बट ही वॉज डाइंग. गुड बाय डियर प्रिंस, ही सेड. आई एम ग्लैड यू आर गोइंग टू इजिप्ट, सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग. और बाद में बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडी आ गया, बाद में बहुत बर्फ़ गिरने लगे, ओले पड़ने लगे, तो लोग मोटे मोटे कपड़े पहनने लगे जो जिससे गर्मी मिले. लेकिन सोलो धीरे धीरे और उसको और ठंडी लग रहा था, लेकिन उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उससे प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और वो, लेकिन वो मर रहा था वो प्रिंस. गुड बाय डियर प्रिंस, ही सेड, मतलब कि सोलो ने बोला कि गुड बाय. मैंने बोला कि चलो मैं खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो, क्योंकि तुमने बहुत समय इधर बिताया. मतलब सोलो की बात कर रहा है कि तुमने मेरे साथ काफ़ी वक्त बिताया, चलो मैं अभी खुश हूँ तुम अभी इजिप्ट जा रहे हो. आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, सेड द सोलो. I am going to stay, going to the house of God. I fell down dead at his feet. Then there was a strange sound inside the statue. Crack, the metal heart broke into two pieces. मतलब कि अभी देखो, ये जो इजिप्ट, अभी वो बोला था कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर ही रहने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू स्टे इन द हाउस ऑफ गॉड. इट फेल डाउन डेड एट हिज फीट एंड देर वॉज अ स्ट्रेंज साउंड इनसाइड द स्टैचू. क्रैक द मेटल हार्ट ब्रोक इन टू टू पीसेस. बोलते कि मैं अभी घर पे, अभी इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी भगवान को प्यार हो रहा, मतलब कि उसको, वो अभी सोलो ही मरने को आ रहा है. तो वो बाद में उस कुछ वक्त के बाद वो मर गया, और उसके फीट पे, मतलब हैप्पी प्रिंस के फीट पे लेट गया. मतलब उसका जो मुद, वो जो क्या बोलते हैं, उसका जो शरीर, मतलब उसका जो शरीर था वो नीचे गिर गया था. बाद में उस स्टैचू के अंदर एक अजीब सा एक क्रैक, मतलब कि कुछ टूटने का आवाज़ आ रहा था. बाद में देखा तो उसका जो मेटल का जो हार्ट था वो दो टुकड़े हो गए उसके. नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग एन इंपॉर्टेंट मैन इन द सिटी वॉज वॉकिंग बिलो विद टू ऑफ हिज फ्रेंड्स. ही लुक्ड अप एट द स्टैचू. द हैप्पी प्रिंस डिड नॉट लुक वेरी ब्राइट. से द रेड स्टोन हैड डिसअपीयर्ड. हिज आईज आर नॉट देयर. ही इज नॉट गोल्डन. ही लुक्स लाइक अ बेगर. और बाद में बोलते हैं कि, बाद में कोई तो आदमी आता है, वो देखता है स्टैचू को, बोलता है कि ये तो हैप्पी प्रिंस वैसा नहीं है जैसा पहले दिखता था, ये तो अगली है, ये तो क्या बोलते हैं, इसके जो रेड ज्वेल था कमर पे वो नहीं है, उसकी आँखें नहीं है, उसका जो पूरा शरीर का जो गोल्ड है वो भी गायब है, तो ये कोई अभी भिखारी जैसा लग रहा है. तो बोले कि येस ही डज, सेड द मैन्स फ्रेंड. मतलब कि उसके जो वो आदमी के जो दोस्त थे उसने बोला कि हाँ बराबर है. ही इज़ डेड सोलो एट दिस फीट, सेड द ऑफिसर. वी मस्ट टेक एन ऑर्डर दैट द बर्ड कैन नॉट डाई हियर. अभी देखो इधर एक, उसने देखा कि वो जो सोलो जो मर चुका था वो उधर ही पड़ा हुआ था नीचे. तो बाद में ऑफिसर ने बोला था, वी हैव टू मेक एन ऑर्डर, वी मस्ट मेक एन ऑर्डर दैट बर्ड्स कैन नॉट डाई हियर. बोलते कि हम लोग ऐसा रूल बनाने का है कि इधर कोई भी बर्ड्स नहीं मर सकते. They pulled down the statue of Happy Prince and put it into fire. The stream of bright metal ran out.
अभी वो जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत बेकार दिख रहा था, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि उस स्टैचू को गिरा दिया, और गिरा के उन लोगों को क्या बोलते आग में जला दिया। स्ट्रीम ऑफ ब्राइट मेटल मेटल रन आउट, दिस इज स्ट्रेंज सेड द वर्कमैन, दिस इज ब्रोकन पीस ऑफ द मिडल ऑफ द स्टैचू हैज स्टेड हार्ड, वी मस्ट थ्रो इट अवे, सो दैट थ्रू इट अवे एंड विद द डेड बर्ड। मतलब कि जो बोल रहा था कि वो जो बीच का जो दिल था बराबर जो मेटल से बनाया हुआ था उसको उसने स्वॉलो के साथ फेंक दिया, ठीक है। गॉड सेड टू हिज सर्वेंट, ब्रिंग मी दोज टू बेस्ट थिंग्स इन द सिटी, दे ब्रॉट हिम एंड द ब्रोकन हैंड एंड द डेड बर्ड। गॉड ने अपने सर्वेंट्स को बोला कि कोई वो जो सिटी है उसमें से दो अच्छी चीज़ें लाओ। उसने देखा बाद में उसने लाया कि वो दिल और वो स्वॉलो को उसने उन लोगों ने ले लिया, ठीक है। Yes, you have brought the right things, God said. The little swallow will sing forever in my garden and the happy prince will stand on my city of gold. तो बाद में भगवान बोलता है कि हाँ तुमने बराबर दो चीज़ लाया, वो swallow मेरे लिए गाना गाएगी और जो से happy prince वो मेरे मतलब मेरे जो सुनहरे शहर है उसमें वो क्या बोलते हैं खड़ा रहेगा। और ये जो है lesson ये लिखा है Oscar Wilde ने, ठीक है। Oscar Wilde एक बहुत ही famous author था, बहुत ही फेमस पोएट था ऑफ द 19th century, ठीक है। उसके बहुत सारे फेमस बुक्स थे, कॉम्पोजिशन थे, जैसे कि आपको अभी बताया था हैप्पी प्रिंस के बारे में जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। चलो अभी अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ अगर नहीं समझा है, आपको कैसा लगा लेक्चर, ये फलाना फलाना जो भी डाउट्स है, और कोई भी कमेंट्स आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।